नगर पालिका निगम भिलाई चिरोदा के स्वास्थ्य विभाग द्वारा की जा रही निरंतर छापेमार कार्रवाई से अवैध रूप से प्लास्टिक प्रतिबंधित कैरी बैग डिस्पोजल बेचने वालों में प्रशासनिक कार्रवाई का डर देखा जा रहा है। जैसा आप सभी को मालूम है कि भारत में स्वच्छ अभियान तहत निगम में लगातार स्वच्छता के प्रति कार्रवाई करते रहते हैं। कचरे में सबसे ज़्यादा पॉलीथीन जिसका 50 माइक्रोन से कम जिसका वो है मोटाई है वो न नष्ट होती है न ही वो डिस्ट्रॉय होती, प्लस हमारे कचरे को वो बड़ा बनाते जाती है, नालियों में फंसती है जिसके कारण पड़े हैं। शासन के निर्देश हैं, NGT के निर्देश हैं कि जितने भी ये प्रतिबंधित प्लास्टिक है जो 50 माइक्रोन से कम उन सारे प्लास्टिकों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कल से निगम द्वारा सभी दुकानों में और जहाँ जहाँ हमको सोर्स से पता लग रहा है कि प्रतिबंधित प्लास्टिक उपयोग किया जा रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये अभियान हम अगले 7 से 10 दिनों तक चलाएंगे, जिसमें पहला तो दुकानदारों को जो प्लास्टिक प्रतिबंधित प्लास्टिक की बिक्री से रोकना है, दूसरा जो शादी समारोह जो है कार्यक्रम वहाँ भी हमारी टीम जाएगी और लोगों को रहेगी कि डिस्पोजेबल और ऐसी चीज़ों का उपयोग न करें, और तीसरा हम जन जागरूकता अभियान चलाएंगे और अगले 10 से 15 दिन तक ये कार्रवाई चलेगी और उसके बाद लगातार बीच बीच में कार्रवाई करते रहेंगे।